ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सौ अश्विनो तो सहस्राक्षम सौ अत्रिपुत्रादिकान मुनिम ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। अभी यहाँ पे आयुर्वेद का उत्तरण बता रहे हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर है कि आयुर्वेद का जो है वो कहाँ से आया, किसने कहा आयुर्वेद को। आप कह रहे हो कि आयुर्वेद के उपदेश सुनने से अच्छी आयु मिलती है, लेकिन वो आयुर्वेद के उपदेश किसने कहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो महर्षि वाग्भट जो है वो आने वाले इस श्लोक में दे रहे हैं कि ब्रह्मा के द्वारा जो है वो ये आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, जो कि हमने पिछले श्लोक में ऑलरेडी देख लिया है कि ब्रह्मा ने 100,000 श्लोकों की जो है वो आयुर्वेद की संहिता बनाई थी। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदा। यहाँ पे स्मृत्वा यानी कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का क्या किया, स्मरण किया। अभी यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण क्यों किया। आयुर्वेद को बना के दे सकते थे या आयुर्वेद को क्या उन्होंने पहले ही बना दिया था। तो जैसे कि अपन ने पिछला एक रेफरेंस था उसमें देखा कि आयुर्वेद तो जो है वो पहले ही बन के रेडी था। ब्रह्मा ने जो है वो जब मनुष्य उसके पास पूछने आया, उनके पास पूछने आया कि हमको आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए, तो उनको उसका स्मरण करना पड़ा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज जो है वो इवोल्यूशन के स्टेज में कुछ लाखों साल पहले ही आई है, लेकिन उसके पहले भी डायनासोर जैसे स्पीशीज होके एक्सटिंक्ट होके गए हैं। तो जितने भी जानवर हैं उन सभी को क्या आपने कभी डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है। वो पेट है तो वो अलग बात है, लेकिन आप कभी भी देखोगे कि सभी जानवरों को जन्म से ही अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको कौन सी दवाई खानी है ये पता होता है। ना ही वो ये सीखने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं, ना ही ये पूछने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेवले को अगर सांप डस लेता है तो वो उस वनस्पति को बरोबर जो है वो खा के आता है जिससे उस सांप का जहर उसको लगे ही ना। तो इस प्रकार सभी जानवरों को अपने अपने बीमारियों का इलाज करना आता है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको अगर बीमार हो जाता है तो उसे पता नहीं चलता है कि कौन सी दवाई खानी है। तो इसीलिए कोई भी जानवर जो है वो ब्रह्मा के पास ये पूछना नहीं गया था कि आयुर्वेद यानी कि क्या है या आयुर्वेद को हमें सिखाओ, लेकिन इंसान ही जो एक ऐसा प्राणी है जो वहां तक गया था, और इसलिए इंसानों के लिए ही जो है वो आयुर्वेद बोला गया है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, इसीलिए ब्रह्मा को आयुर्वेद का स्मरण करना पड़ा जो उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति से पहले ही बना के रखा हुआ था। और यहाँ ये चरक संहिता में इसका रेफरेंस भी आपको जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये जो रेफरेंस है ये चरक संहिता का है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि तस्या आयुषो पुण्यतमो वेदो वेद विदामतः वक्षते यन मनुष्याणाम। ये वेद जो है वो मनुष्यों के लिए कहा गया है, लोकयोर उभयोर हितम, दोनों लोगों के हित को देखते हुए ये जो अवेद है वो मनुष्य को कहा गया है। अभी ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदः प्रजापतिम अजिग्रहत, यानी कि ब्रह्मा ने ये ज्ञान जो है वो किसको दिया, प्रजापति को दिया। प्रजापति यानी कि राजा, क्योंकि प्रजा का पति कौन होता है, राजा ही होता है। तो ब्रह्मा ने ये ज्ञान जो है वो दक्ष प्रजापति को दिया। उस समय प्रजापति के पद पे दक्ष महाराज दक्ष विराजमान थे, तो इसलिए ये दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने ये ज्ञान जो है वो अश्विनी कुमारों को दिया, जो के इंद्र देवताओं के राजा देवताओं के वैद्य थे। फिर अश्विनी कुमारों ने ये ज्ञान जो है वो इंद्र को दिया, जो खुद देवताओं के राजा थे सत्युग में। और फिर बाद में इंद्र के द्वारा जब महर्षि भरद्वाज इंद्र के पास पहुंचे तो ये ही ज्ञान जो है वो महर्षि भरद्वाज को दिया गया द्वापर युग में, और महर्षि भरद्वाज के द्वारा ये अत्रेय आदि महर्षियों को दिया गया, और अत्रेय आदि महर्षियों से फिर जो है ये ज्ञान जो है वो छह शिष्यों को गया। तो उसमें अग्निवेश आदि जो है वो आप चरक संहिता में देखोगे कि उसमें अग्निवेश आदि जो शिष्य हैं वो है, तो वो ही इस श्लोक में बोला गया है कि ते अग्निवेशादि कांस्ते तू पृथक तंत्राणि ते निरे, यानी कि वही ज्ञान अग्निवेशादि शिष्यों को मिला जिन्होंने अपने अपने अलग अलग ग्रंथ बनाए। यहाँ पे आप देखोगे तो काश्यप संहिता जो है वो काश्यप भी जो है काश्यप संहिता में भी आपको सेम ऐसी स्टोरी मिलेगी
तो वहां पे जो है वो महर्षि काश्यप भी इंद्र के पास गए थे और उन्होंने काश्यप संहिता लिखी, जो कि पेडियाट्रिक के लिए, बाल रोग के लिए सबसे अच्छी स्टैंडर्ड संहिता है। और सुश्रुत संहिता अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी दिवोदास धन्वंतरी जो है वो इंद्र से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो भी इंद्र इंद्र के पास गए थे त्रेता युग में, और वो जो है वो सुश्रुत, उन्होंने जो ये ज्ञान जो है वो सुश्रुत आदि उनके शिष्य थे उनको पास ऑन किया, और उनको पास ऑन करने के बाद में सुश्रुत आदि जो शिष्य थे उन्होंने अपनी अपनी संहिताएं बनाई। तो इस प्रकार हम आयुर्वेद अवतरण बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उसी को यहाँ पे जो है वो उन्होंने श्लोक में बोला गया है कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम। सहस्त्राक्ष का अर्थ यहाँ पे इंद्र है, सो अत्रिपुत्रादि कान्मिन, और इंद्र से अत्रिपुत्रादि मुनियों को जो है वो ये मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऋषि भरद्वाज लिखा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अत्रिपुत्र आदि कान मुनि ऐसा लिखा है। इसका कारण यह है कि भरद्वाज ऋषि भी जो है वो अत्रिपुत्र अत्रेय आदि ऋषियों के समान ही थे, इसलिए अत्रिपुत्र आदि ऐसे ही जो है वो वर्णन कर दिया गया है, उससे महर्षि भरद्वाज का भी उसके अंदर समावेश हो जाता है। अभी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आयुर्वेद अवतरण पे, जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सुश्रुत की भांति चरक और हस्तायुर्वेद में भी आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद माना गया है, परंतु व्यासकृत चरण व्यूह और शंकरकृत ग्रंथों में ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है। सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद के 8 विभाग ब्रह्मदेवकृत बतलाए है, परंतु अष्टांग संग्रह में आयुर्वेद के 8 विभाग अग्निवेश आदि ऋषि प्रणीत बतलाए गए हैं। तो ये एक डिफरेंट पॉइंट है जो कि अष्टांग संग्रह में आपको अलग मिलेगा। फिर हरित संहिता में लिखा है कि लोगों की थोड़ी आयु और बुद्धि देखकर लक्ष्य श्लोकात्मक आयुर्वेद की छोटी छोटी 5 संहिताएं बनाई गई। ये किसने बनाई? ऋषि अत्रेय ने बनाई। तो ये रेफरेंस हम पहले ही देख चुके हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स के एमसीक्यू में फर्स्ट ईयर में जो एमसीक्यू आएंगे उसमें जो है वो इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, इसलिए हमको जो है वो अष्टांग हृदय भले ही आपको है, लेकिन हमको सभी संहिताओं से जो है वो ऐसे पढ़ना होगा, ताकि हम आपका जो है वो AIA PGT का भी जो है वो साथ साथ में प्रिपरेशन होता रहे।